आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पलसाना तालुका में आए साकी एवं एसपी साईं प्लास्टिक कंपनी में किसी कारणवश आग लग गई है। आग लगने के कारण कंपनी का 60,000 से 70,000 रुपये का नुकसान हुआ। इस कंपनी में प्लास्टिक का सामान बनाया जाता है। साईं प्लास्टिक कंपनी में जो प्लास्टिक बनाने की मशीन थी वह भी जलकर राख हो गई है। यहां पर कोई जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पलसाना पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अलग अलग जगहों से मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग को काबू करने में कम से कम 45 मिनट जितना समय लगा। यह कंपनी शिव भक्ति इंडस्ट्रियल मकान नंबर 4950 साकी गांव पलसाना में है। देखिए अजय जायसवाल की रिपोर्ट। अभी जो आग लगा उसके बारे में क्या बताना चाहिए? 8:45 हमें ये कॉल मिला था कि बड़ोदरा के पास गांव में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग है। आने पे हमने देखा कि यहाँ पे सूरत एसएमसी से बड़ोदरा बीपीएल और सचिन जीएडीसी की फायर की गाड़ियाँ उपलब्ध थी और विदिन 45 मिनट आग को कंट्रोल में कर लिया है। और ये प्लास्टिक का गोडाउन था जिसमें आग है। सर इसमें सर लगभग कितनी गाड़ियाँ आई हैं फायर ब्रिगेड? लगभग 5-6 गाड़ियाँ आई हैं। कहाँ कहाँ से सर आई? एसएमसी से है, सचिन जीएडीसी से है, भुजवाला फायर स्टेशन से और पीपीएल की गाड़ियाँ बारडोली से और बारडोली से भी आए। जी, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान जानहानि का हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई जानहानि मालूम नहीं हुई और अभी चेकिंग चल रहा है। आपका गोडाउन जो पूरा चल रहा है।